तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ ये हमारा माइक का आगे का टॉपिक है। जैसे कि पहले दोस्तों मैंने बताया कि मैंने माइक के बारे में आपको वीडियो आपको दिया हुआ है कि जो टू पिन का माइक होता है, जो यूनिवर्सल माइक होता है, उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं या उसको चेक करने का तरीका क्या है। आज हम लोग जो अपना टॉपिक होने वाला है ये फोर पिन का माइक, एसएमडी माइक अगर बोला जाए तो चार पिन का माइक जो होता है, चार पिन के माइक आता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। दूसरी बात क्या, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जैसे हमारे पास जो जियो का मोबाइल फ़ोन ऐप 320 मोबाइल फ़ोन आता है जिसकी माइक की ख़राबी की वजह से सेट में लोगों की प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर माइक ख़राब हो जाता है तो उस मोबाइल फ़ोन में लोगों पर खड़ा हो जाता है, तो उसको भी हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसका तरीका भी हम आज आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि हमको सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आपको इसके बारे में एक एक करके पूरा सीरीज लेकर गए हैं, एक एक करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं, अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं, एक चीज़ कर करके आपको डिटेल में समझा रहे हैं ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सकें और अच्छे तरीके से आप ट्रेनिंग ले सकें, अच्छी तरीके से सीख सकें और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि आप सीख करके बढ़िया तरीके से काम कर सकें। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग की पूरा टेक्निकली कोर्स कराया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट पूरा मोबाइल फ़ोन में हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा ए से लेकर जेड तक एडवांस लेवल तक के पूरा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, या मोबाइल फ़ोन को कैसे बनाया जाएगा, या मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, ये रिपेयरिंग करने का स्टेप्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग इस क्लास में आज हम आपको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम लोग अपने सर्किट के ऊपर, अपने सप्लाई ट्रैक के ऊपर, ठीक है। अब हम आपको ट्रैक के बारे में आगे समझाते हैं। सबसे पहली बात क्या है, जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन आता है, मोबाइल फ़ोन में जो चार पिन का माइक होता है, चार पिन के माइक में से ग्राउंड होती है ये माइनस पिन होती हैं, दो पिन आपकी किसकी होती हैं, प्लस की होती हैं, दो पिन किसकी होती हैं, प्लस की होती हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का ट्रैक होता है, सप्लाई का ट्रैक होता है। सप्लाई के ट्रैक में क्या रहता है, ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं या स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले दोनों पॉइंट आपके ट्रैक होते हैं, दोनों ट्रैक में से मैं आपको इसके आगे की डिटेल भी बता देता हूँ। दोनों ट्रैक में से एक पॉइंट जो होता है ये आपका डाटा का होता है, एक पॉइंट जो होता है माइक का बाइसिंग वोल्टेज होता है, इस पर माइक को काम करने के लिए 1.8 से लेकर के 2.8 वोल्टेज तक करंट माइक में जनरेट होता है, तब आपका मोबाइल फ़ोन में माइक काम करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा सप्लाई का ट्रैक होता है जब आगे जाता है तो इसके लाइन में कंपनी ऐसे बीच में रेजिस्टेंस लगाती है या कई बार कंपनी कॉइल भी लगाती है, उसके बाद आगे इसके लाइन में ऐसे कैपेसिटर लगा होता है, कंपनी यहाँ पर डायोड भी लगा देती है, डायोड होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर दिया होता है, फिर ये सप्लाई तुम्हारी चली जाती है पावर आईसी के अंदर। तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में माइक काम करने का तरीका होता है, ये माइक का सर्किट होता है। माइक में जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में माइक या तो तीन पिन का होता है, चार पिन का होता है, पाँच पिन का होता है, छः पिन का भी होता है। माइक आपका तीन पिन का हो, चार पिन का हो, छः पिन का हो, कितने भी पिन के क्यों ना हो, लेकिन उसका जो सप्लाई का लाइन का जो कनेक्टिविटी होता है उसमें से क्या रहता है भैया, एक माइक का बाइसिंग का पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक तुम्हारा डाटा पॉइंट होता है, ये दोनों पॉइंट तुम्हारे पावर आईसी से कनेक्टेड होते हैं तब आपका माइक चलता है, और दो पॉइंट आपके ग्राउंड के होते हैं। अगर मान लिया तुम्हारा तीन पॉइंट का है तो उसमें से एक ग्राउंड होगा और सर दो पॉजिटिव के होंगे, अगर पाँच पॉइंट का होगा तो उसमें तीन ग्राउंड होंगे, दो पॉजिटिव के होंगे, और अगर छः पॉइंट होंगे तो फिर उसमें जाने। अब मैं आपको इसी ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं सारे पॉइंट्स को मैं आपको गूगल पे पिक्चर करके आपको दिखाता भी हूँ कि आप इनको गूगल पे कैसे पॉइंट दिखाई देते हैं, ताकि हमारे जो ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए
हर तरीके से समझाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाओ और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिले। जैसे आज क्लास में देखेंगे पावर आईसी के पीएमआई आईसी चार्जिंग आईसी के बारे में आज पूरा डिटेल में आपको बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेट स्लो है इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। अच्छा यहाँ पर जो हमारा जो ओपन होता है हमारे नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे नेट की स्पीड कितना है। तो ये हमारा जो माइक है 4 पिन का माइक है ये हमारा ओपन हो गया है और इसको हम लोग मोबाइल फ़ोन में SMD माइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SMD माइक्रोफोन। ये देखिए ये ऐसे फ़ोटो खुल गया है। फ़ोटो खुलने के बाद देखिए मैं आपको इसमें पूरा डिटेल अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए ये आपको माइक दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 5 पिन का दिया हुआ है। अब 5 पिन में से इसमें क्या होगा भैया, तुम्हारी 2 पिनें जो होंगी प्लस होंगी, बाकी ये सब तुम्हारी माइनस है। 4 पिन में 2 पिनें प्लस होंगी, 2 पिन तुम्हारी माइनस है। ये 4 पिन का होगा, ये 5 पिन का होता है। इस 5 पिन में कई बार ऐसा होता है 1 पिन माइनस होती है, 3 पिनें प्लस हो जाती हैं। इसमें से 2 प्लस हो जाती हैं, 2 माइनस हो जाते हैं। इसमें से 2 प्लस हो जाते हैं, बाकी ये 3 सब माइनस हो जाते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली जो ज़रूरत पड़ती है वो 2 प्लस की जरूरत पड़ती है और बाकी जो माइनस 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस तो सब एक ही होता है। तो ये मैंने आपको 4 पिन का माइक बताया। अब जितने भी नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं सभी मोबाइल फ़ोन में 4 पिन का ही माइक आ रहा है। तो चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आगे अपने सर्किट के ऊपर चलते हैं। तो ये SMD माइक जो होता है, जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में 4 पिन का पाया जाता है। कितने पिन का पाया जाता है? 4 पिन का। 4 पिन में क्या होता है कि 2 नेगेटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं। यदि माइक काम नहीं करता तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइक को साफ सुथरा करेंगे। माइक को साफ सुथरा करने के बाद नहीं सही होता तो माइक को आप लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। माइक चेंज करने के बावजूद भी समस्या सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फ़ोन में माइक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो माइक को नया लगा देंगे। नया लगाने के बाद फिर भी माइक में समस्या सेम है। अब आप माइक को चेक करेंगे तो माइक के माइनस वाले जो ट्रैक होता है, माइनस वाले ट्रैक में बीप आती है। माइक का जो पॉजिटिव वाला ट्रैक होता है, एक ट्रैक में चेक करने पर 500 से लेकर के समथिंग 1600 तक रीडिंग आती है। दूसरे ट्रैक में क्या होता है, वैल्यू आ करके चली जाती है, वैल्यू नहीं भी आती है, ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब होता है हमारा माइक सही है। अगर उसके बावजूद भी आपको डाउट होता है कि माइक काम नहीं कर रहा है, दोनों पॉइंटों में वैल्यू नहीं आती है, ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं, तो आप इसके लाइन में जो डायोड है, कैपेसिटर है, कॉइल है, इनको एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये अगर ख़राब हो जाते हैं तो अगर लाइन में ज़्यादातर मोस्टली रेजिस्टेंस जो लगी होती है वो यही ख़राब हो जाता है कि वो ब्रेक हो जाती हैं। जब ये ब्रेक हो जाती हैं तो माइक काम करना बंद कर देती हैं। जब काम करना बंद कर देती है तो इस पर हम लोग जंपर मार देते हैं। जंपर मारने के बाद हमारा शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, जो हमारे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आता है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में माइक का थोड़ा सा मैं आपको सर्किट समझाना चाहता हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में माइक के लिए कैसे सिस्टम होता है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जितने भी होते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता है, आपका ये बोर्ड दिया होता है, ये आपका मेन बोर्ड होता है। मेन बोर्ड में क्या होता है, नीचे जो आपका दिया होता है ये आपका UI होता है। UI में जो 4 माइक यहाँ पर मान लिया माइक लगा हुआ है, तो माइक के तुम्हारे 2 पिन तो माइनस हो गए, 2 पिन प्लस हो गए। 2 पिन जो तुम्हारी प्लस सप्लाई होती है, सबसे पहली बार जो तुम्हारा UI का जो पत्ता दिया होता है, ये पत्ता UI का पिन की पत्ता जो होता है यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए इस पर ट्रैक पर चला जाता है। ये पत्ता होते हुए इसी तरीके से आपका जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड में ऊपर भी पत्ता लगा होता है, इसको हम लोग जैक बोलते हैं, मेन जैक बोलते हैं। यही 2 पिनें जो होती हैं माइक की तुम्हारी यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक आ जाती हैं। फिर ये पॉइंट के बीच में कई बार तो मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता है कि जो रजिस्टेंस जो तुम्हारे लगने होते हैं वो मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टेंस तुम्हारे UI पे ही लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर अगर माइक ख़राब हो जाता है तो हम लोग पूरा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में माइक के लिए पूरा UI बदल देते हैं, तब भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है और काम हो जाता है।
और अगर कई बार ऐसा होता है कि यूआई बदल दिया उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है। एक बार ऐसे ही सेट था, वो फोन पानी में गिर गया था, पानी में गिरने की वजह से माइक के लाइन के रजिस्टर गल गए थे, माइक काम ही नहीं कर रहा था, यूआई चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, फिर भी नहीं काम कर रहा। तो उस कंडीशन पर सिचुएशन पर कंपनी ने क्या किया हुआ था, कंपनी ने माइक के लिए यहाँ से दो लाइन निकाल कर ऐसे कंपनी ने रजिस्टेंस लगा रखे थे, फिर वो रजिस्टेंस तुम्हारी पावर आईसी से कनेक्ट थे। अब ये अगर ये गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तब भी माइक प्रॉब्लम आएगा, तो आप इसको भी जम्पर मार देंगे। तो इस तरीके से आपका माइक का सर्किट होते हुए तब आपकी पावर आईसी तक कनेक्टिविटी पहुँचती है। तो ये जो मैंने आपको ट्रैक हम आपको बताते हैं, ये ग्राफिकली आपका सीधा सीधे ट्रैक होता है, जिससे आप इजीली उसको समझ जाते हो और उसको चेक करते हो। और जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें से ट्रैक आपका इस तरीके से घूम फिर करके होता है, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, चेक करना होता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो जियो का मोबाइल फ़ोन में लफड़ा आ रहा है, जियो का मोबाइल फ़ोन आप 320 मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि माइक काम करना बंद कर देता है और माइक के साथ साथ मोबाइल फोन लोगों पर खड़ा हो जाता है। तो कई लोग सॉफ्टवेयर डालने के लिए रहते हैं, अगर हम उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो पता चला चलता है, फिर कुछ दिन बाद अपने मन से काम बंद कर जाता है, फिर माइक चलने लगता है, माइक दिक्कत करने लगता है, माइक की वजह से सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने लगती है। तो उस कंडीशन को सबसे पहले बात माइक को ही चेंज करें। माइक चेंज करने के बावजूद भी समस्या सेम है, फिर भी आपके मोबाइल फोन में माइक नहीं काम करता, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपका मान लिया एग्जाम्पल सी बात है, ये आपके पास जियो का मोबाइल फोन का बोर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर आपके चार पिन ऐसे माइक के पॉइंटर के दिए होते हैं, एक बीच में छेद होता है, ये माइनस होता है। अच्छा, जियो का मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, जो माइक के लिए जो सप्लाई जाती है उसमें से चार पॉइंट होते हैं, बीच में ऐसा छेद होता है, तो इसमें से एक पॉइंट सजी जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा एक पॉइंट तुम्हारा माइनस का होता है, ग्राउंड होता है। उसके बाद दो पिन की जो सप्लाई जाती है, यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और एक पिन जो होती है ये आपकी क्लॉक की उसमें पिन दी होती है। उसके बाद ये जो सप्लाई होती है ये तुम्हारे यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हुए तब तुम्हारी पावर आईसी के अंदर जाती है। ज़्यादातर माइक के लाइन में ऐसा होता है, अगर तीनों में से अगर कोई भी एक लाइन मिस हो जाती है, ज़्यादातर कोई भी अगर लाइन अगर मिस हो जाएगी, जैसे एग्जांपल सी बात है, ये लाइन मिस हो गई है, तो ये लाइन मिस हो गई है, तो ये लाइन मिस हो गई, अगर इनमें से कोई भी एक लाइन मिस हो जाएगी, ये लाइन मिस होने का मतलब होता है उसके ट्रैक के जो कोई कंपोनेंट खराब हो जाएंगे या प्रिंट खराब हो जाएंगे या कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएंगे, तब भी माइक के तीनों ट्रैक की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर तुम्हारे पावर आईसी तक नहीं हो पाती। जब प्रॉपर पावर आईसी तक नहीं हो जाती तब भी हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फोन लोगों पर खड़ा हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इसके ट्रैक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके लिए जो मैंने आपको जो ट्रैक आपको बताया हुआ है, जो ट्रैक समझाया हुआ है, वो आप स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से सारे ट्रैक को क्या करना है, चेक करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि हमारे पास जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं या स्मार्टफोन के माइक आते हैं, जो चार पिन का जो डिजिटल माइक आता है, उस डिजिटल माइक को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसके आगे के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि चार पिन के माइक को दो पिन के माइक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वो काम करने का तरीका क्या होता है, उसमें क्या क्या सारे रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। तो आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को इतना आप अच्छे से देखें, और इससे संबंधित माइक से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे माइक टेस्टिंग का वीडियो है, माइक को पहचानने का वीडियो है, माइक को काम करने का तरीका वीडियो है, माइक हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है, इससे संबंधित बहुत सारा वीडियो है, वो हमारे चैनल के अदर पीछे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से जो हम आपको सिखा रहे हैं, अगर इस तरीके से डिटेल में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है, टैबलेट्स हैं, सभी तरीके की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को कम्प्लीट सीख सकते हैं। और अगर कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर 6391711711, 6391211211, इनमें से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आपके सर से बात होगी, वो आपको पूरा मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप उनको वीडियो कॉल से करोगे तो वीडियो कॉल से क्लास भी दिखाएंगे, कैसे क्लासेस हो रही हैं, कैसे क्लासेस चल रही है, कैसे बच्चे लोग सीख रहे हैं, हॉस्टल में रहने की सुविधा क्या है, इस सारी चीज़ों को लेकर के आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अगर इस तरीके से एडवांस लेवल तक की कम्प्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।